या ठिकाणी त्यांचं सहर्ष असं स्वागत करतो। सन्माननीय तेजस जी म्हात्रे साहेब यांना देखील आम्ही विनंती करतो, आपण देखील या मॅचचा खऱ्या अर्थाने स्टेजवरून आनंद घ्या। आज च्या रात्रीमधील ही शेवटची मॅच, शेवटचा सामना। सन्माननीय जितेश जी कांबळे साहेब यांना देखील आम्ही विनंती करतोय, आपण देखील या व्यासपीठावरती आपला देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत। सर्व मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत। खऱ्या अर्थाने आई 11 क्रिकेट संघ डेरवली आयोजित ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय। हॅलो हॅलो, शिवशक्ती डॉक्टरी संघासाठी राकेश गडे यांच्याकडून ही मॅच जिंकली तर आताच आपण लोणावळ्याला जायचं। सगळे संघासाठी मी शिवशक्ती क्रिकेट संघासाठी मी आता सगळ्यांना लोणावळा धन्यवाद। आपण मॅच कडे वळूया। खरं साहेब हे घेऊन जातील तुम्हाला सरपंच साहेबांकडून एकविरा ट्रीप आहे। मॅच जिंकली तर सामना या ठिकाणी सुरू होत आहे। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज जाते हुए अक्षय मात्रे के पहले गेंद यहां से कारपेट के माध्यम से खेली है, सिंगल रन यहां से चुराई, दूसरा चुराने की कोशिश तू मैं और ये अंपायर की उंगली जरूर आसमान की ओर उड़ती हुई नजर आई और यहां से विकेट नंबर एक मैदान से बाहर, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बल्लेबाज की पारी का अंत। तो जरूर यहां से पहली सफलता रनआउट के तौर पर बल्लेबाज मैदान से वे बाहर और अब नए बल्लेबाज इन एट नंबर 3 मयूर पाटिल। जरूर अब इनाम यहां से आप अपने हाथ में रखिए, मैच खत्म होने के बाद जरूर हम खिलाड़ियों के हाथ में देंगे, लेकिन अब यह फाइनल का मुकाबला, अंतिम मुकाबला है, इसके लिए यहां से बार बार हम इनाम जरूर नहीं बताएंगे, ये भी ध्यान में रखना है। खिलाड़ियों का भी हौसला टूटता है इससे, जरूर पैसों के चक्कर में बहुत कुछ यहां से खोती है टीम, ये भी ध्यान में रखना है। मयूर के लिए इनाम है, चक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मयूर के लिए हर चक्के के लिए 1000 का इनाम है, लेकिन ये इनाम बार बार नहीं दोहराया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। यहां से जरूर पहले गेंद के ऊपर सिंगल मिली और रनआउट के तौर पर एक बल्लेबाज जो मैदान से बाहर हुआ, बिल्कुल खिलाड़ियों का हौसला भी टूटता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये भी ध्यान में रखना है। यहां से गेंदबाज फिर एक बार तैयार, इस बार ये गेंद कट कर दिया, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में, खराब फील्डिंग, डीप पॉइंट क्षेत्र में ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, शानदार चौका। थैंक यू डीजे। क्रिकेट में तीनों चीजों में आपको अच्छी कामगिरी करनी होगी, बैटिंग, बॉलिंग और उसके साथ ही साथ मेन है वो फील्डिंग, और यहां से खराब फील्डिंग, चौका मिला, उसके बाद गेंदबाज अक्षय मात्रे द्वारा ये कमबैक, बिल्कुल ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। बल्लेबाज प्रतीक गरत जो रनआउट के तौर पर मैदान से बाहर हुए थे, उसके बाद जरूर मयूर पाटिल ने पहले गेंद के ऊपर चौका दागा फिर एक बार, इस बार यह अच्छी गेंद, गेंदबाज अक्षय मात्रे द्वारा कमबैक यहां से देखने को मिल रहा है, गेंद टप्पा खाने के बाद तुरंत अंदर की ओर आ रही है और बल्लेबाज मयूर पाटिल किसी भी तरीके की गेंद यहां से बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, ये डॉट गेंद की समाप्ति। इस ओवर की हम बात करेंगे तो अभी भी 2 गेंदें यहां से शेष है, 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है और टीम का टोटल 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाज अक्षय मात्रे तैयार, अक्षय मात्रे की यह गेंद बिल्कुल अपील जरूर हो रही है, ऑस्ट्रेलियन रणनीति यहां पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, 2 अंपायर्स जरूर यहां पर एक दूसरे के साथ
बातचीत करेंगे, उसके बाद डिसीजन देंगे। जो भी डिसीजन रहेगा, अंतिम डिसीजन रहेगा दोनों टीम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंपायर्स का फैसला, अंतिम फैसला बताया जाएगा जरूर। यहां पर अंपायर का डिसीजन आता हुआ, ये गेंद वाइड है, जरूर वाइड ऑस्ट्रेलियन रणनीति। मैंने कहा था ये अंतिम मुकाबला है, कौन टीम भी जानती है कि एक एक रन यहां पर बचाना होगा, और जरूर क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर जी ने भी कहा था कि ईच एंड एवरी रन इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट, एक एक रन इंपॉर्टेंट है, और ये एक रन बचाने की कोशिश थी कौन टीम द्वारा। इस बार बिल्कुल अच्छा शॉट, यहां से एक्स्ट्रा कवर रीजन में फिर एक बार फंबल होते हुए खराब फील्डिंग, गेंद यहां से जाएगी सीमा रेखा पार। लेकिन नाकामयाबी आखिरकार उनके हिस्से में आई है। 54 मिला टोटल टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर, 10 अभी भी इस ओवर की एक गेंद यहां से शेष है, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी होती हुई टीम शिव शक्ति डाकटी जुई द्वारा, चलिए स्पीड अप करना है। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए बल्लेबाज, यहां से हम देख सकते हैं मयूर पाटिल को जिन्होंने 2 चौवे दागे अपने इनिंग में, शानदार बल्लेबाजी होती हुई। शिव शक्ति डाकटी जुई बनाम कौन के बीच में आज की रात का ये अंतिम मुकाबला, फाइनल का मुकाबला। फिर एक बार फंबल, कौन टीम को फील्डिंग में यहां से सुधार लाना पड़ेगा। बिल्कुल जल्दबाजी कर रहे हैं गेंद को अड़ाने के लिए, यहां से इस गेंद के ऊपर मिलता हुआ सिंगल, सिंगल के मदद से हुई पहले ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम शिव शक्ति डाकटी जुई का टोटल पहुंचता हुआ 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। चलिए तुरंत फील्डिंग सजानी है टीम भूमि आई 11 कौन टीम से मैं विनती करना चाहूंगा, तुरंत फील्डिंग आपको सजानी है। यहां से नए गेंदबाज आते हुए आकाश मात्रे यहां से बल्लेबाजी करते हुए नजर, गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज मयूर पाटिल, जिन्होंने अभी तक अगर देखा जाए तो 2 चौवे अपने पारी में शामिल किया, लेकिन वो 2 चौवे जो आए ना बिल्कुल खराब फील्डिंग के जरिए आए। मयूर पाटिल का हौसला जरूर बढ़ा है, लेकिन मयूर पाटिल को अब कुछ कर दिखाना होगा अपने टीम के लिए। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंदबाज आकाश फिर एक बार यहां से तैयार, राइट आर्म ओवर दी विकेट। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, स्क्वायर लेग रीजन में इस गेंद को खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल पूरा, दूसरा चुराने की कोशिश और रन आउट के तौर पर बल्लेबाज मयूर पाटिल की पारी का अंत। रोहित गरत रायगढ़ प्रीमियर लीग में हमने देखा था इस खिलाड़ी को, आर्यन ग्रुप चिरले की ओर से खेलते हुए, आज अपने ग्रामीण गांव की टीम के लिए खेलते हुए अपने गांव का नेतृत्व कर रहे टीम के खुद कप्तान है, और अब कप्तानी पारी की जरूरत है रोहित गरत को। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से लगती हुई 12 रन। फिर एक बार आकाश तैयार, इस बार ये गेंद बैट का बारी किनारा, विकेट नंबर 4, विकेट नंबर 3 होगा मैदान से बाहर, रोहित गरत बैक टू पैवेलियन।
तो यहां से विकेट नंबर 3 हुए मैदान से बाहर। टीम के कप्तान निराश होकर मैदान से बाहर होते हुए रोहित गरत, और रोहित की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज सूरज गरत। सूरज अभी सूरज का वक्त हुआ नहीं है, सुबह 7:30 बजे करता है, लेकिन आज रात में निकला है। लेकिन ये सूरज क्या गर्म होता हुआ नजर आएगा इस मैदान के ऊपर, ये हम जरूर देखेंगे। गेंदबाज आकाश तैयार है, आकाश यहां से गेंदबाजी करते हुए सूरज के लिए। आकाश की ये गेंद, इस बार ये शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया इस गेंद को, यहां से इस गेंद के ऊपर सिंगल रन मिलते भी सूरज को। इस एक रन की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मेरे साथी स्कोरर आंखों में तेल डालकर इस मैच का जरूर स्कोरिंग करे सुदर्शन जी पाटिल, और हमारे टेक्निकल 24 इवेंट लाइव के प्रफुल पाटिल पूरी तरीके से बिल्कुल एक एक गेंद का यहां पर ब्यौरा लिखते हुए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद प्रहार किया इस गेंद के ऊपर और खराब फील्डिंग, ये गेंद जाएगी सीमा रेखा बार, शानदार छक्का। तो यहां से जरूर फील्डिंग में सुधार करना होगा टीम कौन को, जो खराब फील्डिंग है जिसका कारण 2 चौवे और ये आता हुआ छक्का। कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंदबाज आकाश तैयार, आकाश की ये गेंद, इस बार जरूर कट कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद जाते हुए सिंगल पूरा किया दूसरे की चेष्टा, और ये खराब फील्डिंग, एक और बार खराब फील्डिंग होती है, सिंगल को यहां से डबल में कन्वर्ट किया। इन 2 रनों की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 21। इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष है, यहां से बिल्कुल फील्डिंग यहां पर सुधारनी चाहिए टीम कौन को, क्योंकि फील्डिंग से काफी रन इन्होंने गवाया इस टीम इस मैच में, और यह मैच है अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला, जो जीतेगा वो ताज के ऊपर राज करेगा। इस T20 की छवि यहां पर इस ट्रॉफी की जरूर नजर आती भी। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार, इस बार ये बड़ा प्रहार किया है, हवा में गेंद है, साइल मात्रे बनेंगे दर्शक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, छक्का। थैंक यू डीजे, डीजे थोड़ा आवाज दीजिए। टोटल 27। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 27। चलिए नई बॉल दीजिए अंपायर, वक्त यहां पर जाया मत कीजिए, वक्त काफी कम है और वक्त की कीमत हमारे आयोजनकर्ता अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके लिए हम बार बार आपसे विनती करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की वक्त यहां पर लगाना नहीं है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बने 27 आखिरी ओवर, गेंदबाज अनिकेत मात्रे ने जरूर आज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखा है। अब अंतिम मुकाबला है, किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे हम जरूर देखेंगे। अनिकेत मात्रे भी एक बड़ा नामचीन खिलाड़ी है, इन्होंने भी काफी नाम कमाया। इस बार ये गेंद टप्पा खाने के बाद रफ्तार के साथ गई और यहां से ये डॉट गेंद की समाप्ति।
तो जरूर अनिकेत मात्रे भी काफी नामचीन खिलाड़ी है, बिल्कुल अच्छा नाम कमाया इस खिलाड़ी ने भी। फिर एक बार अनिकेत मात्रे यहाँ से तैयार, इस बार ये गेंद बैट का बिल्कुल ठीक से संपर्क हुआ नहीं, विकेट यहाँ से प्राप्त होता हुआ अनिकेत मात्रे कम बैक करते हुए। तो जरूर टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 27 27 रन। स्लॉग ओवर की गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान खुद अपने कंधों के ऊपर यहां से लेते हुए नजर आ रहे अनिकेत मात्रे। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, पहली डॉट गेंद, दूसरे गेंद के ऊपर सफलता, स्ट्राइक गेंद के ऊपर नए बल्लेबाज अमिश गरत। अमिश गरत के लिए यह गेंद बिल्कुल कट करने की कोशिश थी, तो जानते हैं बल्लेबाज के लिए यहाँ पर स्ट्राइक पर लाने का काम कर रहे हैं। ये रन भी हो सकता था लेकिन यहाँ से नकर बल्लेबाज 22 के तौर पर ये रन है। दीपेश करत, ये खिलाड़ी जरूर छक्के दाग रहे, जानते हैं खिलाड़ी अमिश गरत जिनको जरूर कान मंत्र दिया होगा पेवेलियन से कि सिंगल निकाल कर स्ट्राइक दीजिए, और वही काम किया, सिंगल निकाल कर स्ट्राइक दिया। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 28, अभी भी इस ओवर की तीन गेंदे शेष, तीन गेंदे यहां से काफी कुछ बयां कर सकती है इस मैच का रिजल्ट, तीन गेंदे यहां से शेष है। फिर एक बार अनिकेत मात्रे तैयार, दीपेश गरत के लिए यह गेंद रफ्तार से बीट किया, इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद तुरंत विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, एक और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति, गोली की रफ्तार, अभी भी इस ओवर की दो गेंदे यहां से शेष है। दो गेंदे यहां से शेष, फिर एक बार अनिकेत की यह गेंद, इस बार जरूर डंडा यहां पर उखाड़ दिया है, विकेट नंबर 4 मैदान से होगा बाहर दीपेश गरत। तो जरूर 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते भी अनिकेत मात्रे ने क्या शानदार कमबैक किया अपने टीम के लिए, सिंगल रन दिया और जरूर दो सफलता अपने नाम करते हुए, क्या शानदार गेंदबाजी होती हुई अनिकेत मात्रे द्वारा इस ओवर के। अब यहां से आखिरी गेंद शेष है, इस गेंद के ऊपर कितने नंबर आएंगे ये हम जरूर यहां से देखेंगे। गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल अपील हो रही है, अंपायर ने तुरंत बताया ये जरूर ऑफ स्टंप से बाहर है गेंद। इस गेंद के ऊपर सिंगल मिलती हुई, एक्स्ट्रा के तौर पर यह रन, यानी कि अनिकेत मात्रे की मेडन ओवर है। बिल्कुल क्या शानदार गेंदबाजी की अनिकेत मात्रे ने, कुल टोटल यहां पर बनता हुआ टीम शिव शक्ति डाकटीज हुई का। जरूर जो दो रन गए थे दोनों भी 22 के थे, यानी कि एक्स्ट्रा में वो रन आते हैं, यानी कि जरूर मेडन ओवर की या जरूर मेडन ओवर यहां पर करते हुए नजर आए अनिकेत मात्रे। इसी के साथ तीन ओवर की समाप्ति, आने वाले तीन ओवर में टीम भूमि I-11 कौन टीम को यहां से बनाने होंगे 30 रन।
चलिए डीजे एक अच्छा गाना आप सुनाइए। गेंदे और 30 रनों का पीछा करना होगा टीम भूमि आई 11 कौन को। जरूर ओपनिंग प्लेयर मैदान के अंदर यहां से तुरंत भेजिए टीम कौन। 30 रनों का पीछा किस तरीके से करेंगे ये जरूर हम देखेंगे। बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा मैदान के अंदर, अंतिम मुकाबला है, जो जीतेगा वो करेगा इस ताज के ऊपर राज। इन चार ट्रॉफियों में से कोई भी एक ट्रॉफी आप काम पर करते हुए नजर आएंगी जो जीतने वाली टीम। थैंक यू डीजे, डीजे थैंक यू। जरूर आने वाली 18 गेंदे और 18 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। क्या वार के ऊपर पलटवार हमें यहां से देखने को मिलेगा, क्या इट का जवाब पत्थर से देते हुए टीम कौन के बल्लेबाज यहां से हमें दिखाई देंगे। आने वाली 18 गेंदे 30 रनों की जरूरत, कड़ा मुकाबला, कड़ी ठंड है और इस ये ठंड में 30 रन बिल्कुल एक अच्छा टारगेट बनाया टीम शिव शक्ति दाकटी हुई टीम ने। इस टारगेट का पीछा किस तरीके से करेंगे कौन के बल्लेबाज ये हम जरूर देखेंगे। कौन टीम जरूर यहां से 5 मिनट की दूरी पर है, यानी कि घरेलू टीम है कौन यहां पर इस मैदान के ऊपर। ड्यू फैक्टर मैदान के अंदर आप जरूर देख सकते हैं पूरी तरीके से कोहरा गिरा इस मैदान के ऊपर। 18 गेंदे 30 रनों की जरूरत, कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए रोहित गरत, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज अनिकेत मात्रे, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज साहिल मात्रे। दो तगड़े खिलाड़ी जरूर यहां पर ओपनिंग प्लेयर के जरिए। जरूर कोहरा काफी गिरता हुआ मैदान के अंदर इस बार, बिल्कुल अपील हो रही है लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा नजर आया था, आत्मविश्वास कम था, अंपायर ने तुरंत नकारा कि डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। 18 गेंदे 30 रन प्रति गेंद, प्रति ओवर 10 रन की औसत के साथ यहां से बल्लेबाजी करनी होगी टीम कौन के बल्लेबाजों को। अनिकेत मात्रे ने जरूर वापसी दिलाई, अगर 2 ओवर की बात करेंगे तो 27 रन थे लेकिन उसके बाद 2 रन वाला ओवर फेंका था, जरूर मेडन ओवर था, 2 रन थे वो लेग बाइंस के तौर पर आए थे यानी कि एक्स्ट्रास के तौर पर आए थे। स्पीड अप करना है, देखिए टीम डॉक्टर्स हुई यहां पर, बिल्कुल टीम की किसी भी तरीके की रन संख्या अभी तक खाता तक खुला नहीं है। पहली डॉट गेंद यहां से नजर आई, फिर एक बार यहां से ट्रेन आती हुई सुबह सुबह, गेंदबाज फिर एक बार तैयार, इस बार कट कर... हेलो हेलो हेलो। तो यस यहां से बिल्कुल ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। तो जरूर यहां से ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई।
लगातार दो डॉट गेंदे यहां से फेंकते हुए रोहित गरत बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए मैंडेटरी पावर प्ले का यह पहला ओवर है, जरूर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका रहता है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी इस बार बिल्कुल मिस टाइम स्ट्रोक था, हवा में गेंद थी, सिंगल पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश, रनिंग बिटवीन द विकेट की बातचीत करेंगे तो बिल्कुल लेजी रनिंग यहां पर दिखाई दे रहे बल्लेबाज अनिके द्वारा। इस गेंद के ऊपर मिलते हुए दो रन, तीन गेंदों का खेल यहां से खत्म हो चुका है, दो रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आने वाले यहां से गेंदें बची है 15 और 28 रनों की जरूरत, 15 गेंद 28 रन, ठंडी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुकाबले में गर्मी है इस बार, बिल्कुल डाइव लगाई, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, अपने टीम के लिए 100% कमिटमेंट क्या होती है ये दिखा है इस खिलाड़ी ने, बिल्कुल जो गलतियां की थी कौन टीम के खिलाड़ियों ने उस गलतियों को नहीं दोहराया टीम शिव शक्ति धाकटी जोई के खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, वहां पर फील्डर थे आतिश गरत जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग की, सिंगल रन यहाँ पर मिलते भी। अब यहां से समीकरण चेंज होगा, आने वाली गेंदें बची है 14 और 27 रनों की जरूरत, छोटा पैक बड़ा धमाका, साइल मात्र अब स्ट्राइक एंड के ऊपर, पिछले मुकाबले में हमने देखा था छक्का लगाते हुए इस खिलाड़ी को, इस बार भी क्या लगाएंगे, इस बार कारपेट के माध्यम से इस गेंद को खेला, गलती यहां पर होती भी, सिंगल रन यहां पर मिलती भी, जरूर गलती हुई थी लेकिन ज्यादा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा, सिंगल के मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 4, अभी भी 13 गेंदे 26 रनों की जरूरत, प्रति गेंद के ऊपर यहां से 2 रन बनाने होंगे, 13 गेंदे 26 रनों की जरूरत, गेंदबाज फिर एक बार तैयार, रोहित गरत, रोहित की ये गेंद बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की, यॉर्कर गेंद फेंकी थी जसप्रीत बुमराह की याद दिलाते हुए, ये यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती है, इसी के साथ जरूर यहां से पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन, आने वाली जरूर 12 गेंदे और 26 की जरूरत, यस तो जरूर कौन टीम के लिए भी अब सुनहरा मौका है, प्रति छक्के के लिए भूषण जी पाटिल साहब इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, बड़ी हस्ती है भूषण जी पाटिल साहब, मयूर इस खिलाड़ी के लिए भी इनाम है, यदि विकेट प्राप्त करते हैं तो प्रमोद जी पाटिल इनकी ओर से, तो जरूर मयूर के लिए कैच के लिए इनाम है 3000 रुपए का, यहां से जरूर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज दीपेश गरत, 12 गेंदे और 26 की जरूरत, पहली गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेग रीजन में इस गेंद को खेला था, बिल्कुल रनिंग बिटवीन द विकेट काफी सुस्त नजर आती भी, अब 11 गेंदे और 25 रनों की जरूरत, कोहरा गिरा है, गेंद कहां पर जा रही है यहां से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे, जैसे गेंद यहां पर डाली जा रही है, हमारे सुदर्शन जी पाटिल साहब बिल्कुल अच्छी तरीके से स्कोरिंग की भूमिका में नजर आते हुए, 11 गेंद और 25 की जरूरत, कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ, ठंडी भी अब काफी बढ़ चुकी है यहां पर, पूरी तरीके से कोहरा गिरा है, 11 गेंदे और 25 की जरूरत, इस ठंडी में गर्मी का माहौल लाना होगा, अनिकेत मात्रे ने इस गेंद को खेला फाइन लेग रीजन में, 1 बाउंस के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका, गेंदे और 21 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 21 रन, कड़ा मुकाबला
अंतिम मुकाबला है, कौन सी टीम होगी जो इस ताज के ऊपर राज करेगी, कौन सी टीम होगी जो वार के ऊपर पलटवार करेगी, कौन होगा बादशाह और कौन होगा यहाँ से शहंशाह, कौन होगा शेर, कौन होगा डेर, ये हम जरूर देखेंगे। 10 गेंदें यहाँ से बची है और आने वाली 10 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। अनिकेत मात्रे पूरी तरीके से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लय में वापस दौड़ते हुए इस करारी ठंडी में गर्मी का माहौल करते हुए नजर आ रहे। चलिए टीम अंपायर्स थोड़ा बहुत के ऊपर भी ध्यान देना है। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार, इस बार ये अच्छी गेंद, बिल्कुल कट करना चाहते थे पॉइंट की रीजन में, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई, डॉट गेंद की समाप्ति। जैसे ही डॉट गेंद गई यहां से अब 9 गेंदे और 21 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 21 रन, कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का रूल है। इस बार बिल्कुल चतुराई दिखाई अनिकेत मात्रे ने, गेंद थर्ड मैन रीजन में जाती हुई, देखते ही देखते बिल्कुल अच्छी वहां पर फील्डिंग होती हुई। इस गेंद के ऊपर कुल रन मिलेंगे 2 और जरूर अभी भी आने वाली गेंदें यहां से बची है 8 और 19 रनों की जरूरत। हमारे वॉलेंटियर से हम विनती करना चाहेंगे आप जरूर मैदान पर जाने, आपको बिल्कुल अब यहां से गेंदें बची हैं 8 और 19 रनों की जरूरत। जब तक अनिकेत मात्रे मैदान के ऊपर है इस मैच का हाल कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर एक बार, इस बार जरूर फाइन लेग रिजल में खेलना चाहते थे, अपील जरूर हो रही है लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा है, यहां से किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं, यानी कि डॉट गेंद, अब 7 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। जरूर चक्कों की हैट्रिक यदि बल्लेबाज लगाता है तो 5000 इनाम अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सम्माननीय भूषण जी पाटिल साहब, जो जरूर पहले मुकाबले में हमने देखा था, एक अच्छा कैच भी पकड़ा था, एक अच्छे खिलाड़ी है और जानते हैं खिलाड़ियों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाता है। यहां से गेंदे बची है 7 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 19 रन। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला कौन भूलेगा, वो कार्लोस ब्रैथवेट के छक्के, कौन जरूर भूलेगा इंडिया पाकिस्तान का वो मुकाबला। इस बार ये शॉर्ट पिच गेंद थी, फाइन लेग रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं, सिंगल रन यहां से मिलेगी, 6 गेंदे और अब 18 रनों की जरूरत। तो 6 गेंदे और यहां से 18 रनों की जरूरत है, 3 छक्कों की बात है लेकिन अब इस ठंडी में 1 छक्का लगाना भी बड़ी बात होगी। किस तरीके से आने वाले कौन टीम जीती है, तो भूषण जी पाटिल साहब इनके ओर से 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जरूर हैट्रिक लगाते हैं तो भी 5000 का इनाम भूषण जी पाटिल साहब इनके ओर से। गेंदबाज यहां से तैयार, यहां से अनिकेत मात्रे ने इस गेंद को खेला सीमा रेखा के बाहर, ये शानदार छक्का आता हुआ। थैंक यू डीजे गोल्डमैन हमारे भूषण जी पाटिल साहब, इन्होंने एटीएम कार्ड खुला किया है, टीम जीती है तो 5000, हैट्रिक लगाते तो भी बल्लेबाज के लिए 5000, काफी अब इनाम लगते हुए, डॉक्टर जी के भी यहां पर इनाम लगते हुए। अब 5 गेंदे और 12 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग,
ये इस टूर्नामेंट का रूल है, ये भी ध्यान में रखना है। 5 गेंदे 12 रन, कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर। इस बार कट कर दिया इस गेंद को, बिल्कुल गेंद जाती हुई डीप पॉइंट रीजन में, जरूर 2-3 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार जानदार चौका। थैंक यू मास्टर। यहां से आने वाली 4 गेंदें और 8 रनों की जरूरत, कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। भूषण पाड़िन साहब जी बिल्कुल इनाम लगाए, वो इनाम अब पूरी तरीके से चुराने के लिए अनिकेत मात्र तैयार होते हुए नजर आ रहे। 4 गेंदे 8 रन, टीम मीटिंग के लिए अब जरूर वक्त नहीं है। 4 गेंदे और 8 रनों की जरूरत, अनिकेत मात्रे बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छी बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर। जैसे ही इस लॉन्ग ओवर की गेंदबाजी शुरू हुई, अनिकेत मात्रे ने प्रहार करने चालू किए। पहले गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा, दूसरे गेंद के ऊपर डीप पॉइंट को चीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए। 4 गेंदे और 8 रनों की जरूरत, यही वो गेंदबाज है जिन्होंने 6 गेंदों में 7 रन बचाए थे पहले मुकाबले में। 4 गेंदे 8 की जरूरत। इस बार ये गेंद बिल्कुल बैट का बाहरी किनारा, यहां से फील्डिंग अच्छी होती हुई नजर आई। दूसरा चुराने की कोशिश, तू मैं और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन यहां से पूरे होते हुए, कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। आने वाली गेंदें बची है यहां से 3 और 6 की जरूरत। डीजे अब ये वक्त नहीं है आपको लगाने का, डीजे किसी भी वक्त डीजे मत लगाइए। अब यहां से गेंदे बची है 3 और 6 रनों की जरूरत, कड़ा मुकाबला, ठंडी बढ़ती हुई, गर्मी भी बढ़ती हुई यहां से मैदान के अंदर। 3 गेंदे बची है अब और 6 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग, यह मुकाबला अंतिम गेंद तक जाएगा जरूर ऐसा लग रहा है। 3 गेंदे और 6 की जरूरत, टीम धाकटी जुई या फिर टीम कौन सी टीम जीतेगी जरूर यहां से पता लगेगा। 3 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, जरूर टीम धाकटी जुई जीतती है तो एक वीरा ट्रिप है उनके लिए, और टीम कौन जीतती है तो 5,000 का इनाम है। यहां से हवा में गेंद, विकेट का पतंग, अनिकेत मात्रे बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बल्लेबाज की पारी का अंत। अब 2 गेंदे बची और 6 रनों की जरूरत, कड़ा मैदान के अंदर। 2 गेंद, हेलो, 2 गेंदे 6 की जरूरत, माइक की जरूर सेल को अब यहां से बदलना होगा ऐसा लग रहा है। 1-1 रन काफी कीमती है क्रिकेट में, जो मिसफील्ड की थी अब बिल्कुल टीम कौन के लिए काफी महंगी साबित हो रहे हैं। अब वो बातें करने से कुछ होगा नहीं, 2 गेंदे 6 रन है, बिल्कुल ऐसा बल्लेबाज बनना होगा। हेलो, 2 गेंदे और 6 की जरूरत, नए बल्लेबाज आकाश। हेलो, 2 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, आकाश मात्रे ऑन स्ट्राइक, कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का रूल है। फिर एक बार यहां से ये जरूर अपील जरूर हो रही है अंपायर द्वारा, किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं, यानी कि ये डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। अब 1 गेंद और 6 रनों की जरूरत, ये कारनामा काफी खिलाड़ियों ने किया है। ये टूर्नामेंट कोई गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, 1 गेंद और 6 रनों की जरूरत, कड़ा मुकाबला, जो जीतेगा 1 लाख रुपए की ट्रॉफी के ऊपर अपना जरूर नाम आएगा। कौन सी टीम होगी इस साल की जो नाइट प्रतियोगिता में यहां से अपने नाम का जरूर परचम लहराएगी, ये हम जरूर देखेंगे। 1 गेंद 6 रनों की जरूरत, कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। आकाश मात्रे या बनेंगे हीरो या बनेंगे जीरो, आकाश मात्रे बनेंगे बादशाह या फिर बनेंगे यहां से जीरो, क्या होगा इस मैच में, क्या होगा इस गेंद के ऊपर, कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर।
और ये मुकाबला यहां से जीता है टीम शिव शक्ति दाकटीज हुई टीम ने। स्टंप ला हाथ नकाला स्टंप डीजे 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 स्टंप ला कोणी हाथ नकाला अजून चार दिवस बाकी आहेत आणि पिचच्या बाहेर नाचायचं आहे। होत्या एक दोन साडे तीन हजार आहेत इथं।